हेलो बच्चों, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसस लॉ पढ़ रहे बेटा। और इसमें अब हमारा आज लास्ट एप्लीकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट। अब देखो बेटा, शीट के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो शीट बहुत पतला होता है और शीट के पास सिर्फ एक सरफेस होता है, पर जब प्लेट की बात करते हैं बेटा तो प्लेट के पास दो सरफेस होता है। जैसे अगर तुम अपने नोटबुक को बंद कर दो और उसको फ्रंट व्यू से देखो तो एक सरफेस इधर और एक सरफेस इधर, तो वो कुछ विड्थ है विड्थ, तो उसको हम कहते हैं बेटा प्लेट। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट। तो हमारे पास अगला है बेटा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट। ठीक है बेटा, और प्लेट के पास भी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लिख लेते हैं, कंसीडर अ इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना बेटा, इट इज सिग्मा। ठीक है, तो देखो प्लेट का मैं कोशिश करता हूं 3D व्यू बनाने का, तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है बेटा, इस तरीके से इसको हम कहते हैं, देखो ये तुम्हारे बुक जैसा दिख रहा है, तो इस चीज को हम कहते हैं बेटा प्लेट, दिस इज कॉल्ड प्लेट, इसको प्लेट कहा जाता है इस तरीके से। तो तुमको दिख रहा होगा कि इसके दो सरफेस हैं, एक सामने और एक पीछे की तरफ, तो दोनों सरफेस पे चार्ज अपीयर होगा। और याद रखना, दोनों सरफेसेस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो ध्यान रखेंगे प्लेट और शीट में फर्क, प्लेट के पास दो सरफेस होते हैं और शीट के पास सिर्फ एक सरफेस होता है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं बेटा, प्लेट कंसिस्ट्स टू सरफेसेस, प्लेट के पास दो सरफेस होते हैं। ठीक है, एंड बोथ सरफेस कैरी इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज। ठीक है जी, तो अब मैं अगर चार्ज को दूं बेटा, तो देखो मेरे पास दो कलर का मार्कर नहीं है, अदरवाइज मैं दोनों सरफेस के लिए अलग अलग कलर के मार्कर से प्रेजेंट करता। तो देखो इस तरीके से दोनों सरफेसेस पे चार्ज मिलेंगे आपको। और मान लो शीट के पास सरफेस होता है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, सिग्मा। अब अगर तुम इसको फ्रंट व्यू से देखोगे ना, तो ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला ऐसा, तो इसका अगर मैं फ्रंट व्यू बनाऊं तो फ्रंट व्यू जो होगा वो इस तरीके का होगा। तो इस पे हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज है और दो सरफेस है ना, तो दोनों सरफेसेस को यहां एक पॉजिटिव इस तरीके से अपीयर होगा और इस सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड ध्यान रखेंगे दोनों सरफेस पे सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए बेटा, बाहर की तरफ, मतलब अवे होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस तरीके से, क्लियर हो रही है बात सबको। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो यहां भी अगर प्रेजेंट करें इसके फ्रंट व्यू में, तो ये हो गया आपके दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। शीट और प्लेट में तुमको यही फर्क ध्यान रखना है कि प्लेट के पास दो सरफेसेस होते हैं और शीट के पास सिर्फ एक सरफेस होता है। तो बहुत ही आसान है। अब यहां से तुम अजम्प्ट कर सकते हो बेटा कि इसके लिए जो गाउसियन सरफेस होगा वो कैसा होना चाहिए, सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस होना चाहिए। तो अगर मैं यहां गाउसियन सरफेस बनाऊं तो इस तरीके से दोनों सरफेस को क्रॉस करता हुआ एक गाउसियन सरफेस बना देते हैं सिलिंड्रिकल, जिसका रेडियस कितना है r, और टोटल लेंथ अगर l है तो आधा l बाय टू एक सरफेस से और आधा l बाय टू दूसरे सरफेस से। तो ये हो गया आपका क्या बेटा, गाउसियन सरफेस। सिलेंडर लेने में ना बड़ा आसान पड़ जाता है, क्यों आसान पड़ता है, क्योंकि दो तो प्लेन सरफेस निकल जाते हैं और एक कर्व्ड सरफेस,
तो कर्व सरफेस के साथ तो ये है बेटा कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 90 बन जाता है। तो अब अगर टोटल लेंथ एल लो तो इस तरफ कितना हो गया एल बाय टू और दूसरी तरफ भी कितना हो गया बेटा एल बाय टू। तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। तो हम यहां लिख लेते हैं फॉर प्लेट वी कंसीडर सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ एल। हमने क्या किया बेटा, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ले लिया जिसका रेडियस आर है और टोटल लेंथ एल है। तो बस ठीक है यार, अब सिलेंडर कंसिस्ट थ्री सर्फेसेस, दो प्लेन और एक कर्व। तो अगर प्लेन सरफेस की बात करें, ये हो गया तुम्हारा राइट प्लेन सरफेस और ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट प्लेन सरफेस और ये हो गया तुम्हारा कर्व्ड सरफेस। तो अगर राइट प्लेन सरफेस के एरिया वेक्टर की बात की जाए तो एरिया वेक्टर इस तरफ, इसके लिए एरिया वेक्टर की बात की जाए तो एरिया वेक्टर इस तरफ, और कर्व्ड सरफेस के लिए अगर एरिया वेक्टर की बात की जाए बेटा तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये हो जाएगा। तो अब हम फ्लक्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्लक्स होगा तुम्हारे पास, अच्छा कई जगहों पे ना ऐसा ये गोल सा सिंबल होता है इंटीग्रेशन पे, इसका मतलब होता है बेटा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो ये किसके लिए बेटा, राइट प्लेन सरफेस के लिए, ये किसके लिए लेफ्ट प्लेन सरफेस के लिए, और ये किसके लिए कर्व्ड सरफेस के लिए। क्लियर हो रही है बात सबको। तो अब अगर आगे बढ़े तो हमको पता है कि राइट प्लेन सरफेस में एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। लेफ्ट प्लेन सरफेस में भी वही सिचुएशन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो अगेन दोनों के बीच का एंगल कितना जीरो। और कर्व्ड सरफेस में एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच में 90, और नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो अगेन 90। तो राइट प्लेन सरफेस के लिए थीटा जीरो, लेफ्ट प्लेन सरफेस के लिए भी थीटा जीरो, और कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा इक्वल्स टू कितना बेटा 90। तो हम इसको लिख सकते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता है और कॉस जीरो कितना होता है बेटा जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। और डीए का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं ए प्लस, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और डीए का इंटीग्रेशन ए प्लस कॉस 90 कितना होता है बेटा जीरो, तो ये वाले कर्व्ड सरफेस से तो क्या हो जाएगा वैल्यू जीरो इज इक्वल्स टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हम लिख सकते हैं ई ए प्लस ई ए इज इक्वल्स टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, टू ई ए इज इक्वल्स टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर तुम देखो तो इस ए का मतलब क्या है बेटा, एरिया गाउसियन सरफेस का, जो कि कितना है बेटा पाई आर स्क्वायर। तो 2e पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई तुम्हारे पास एक रिलेवेंट सी इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं बेटा, क्यू नेट की वैल्यू को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं। देखो अगर तुम देखो प्लेट के बारे में बेटा, तो हम सब जानते हैं कि प्लेट के पास दो सरफेस होते हैं। तो अगर प्लेट के पास दो सरफेस होते हैं तो ये गाउसियन सरफेस कितनी बार एरिया को जो है वो काटेगा, एक तो इस शीट को मतलब पाई आर स्क्वायर, फिर पिछले वाले को भी तो पाई आर स्क्वायर, मतलब इस गाउसियन सरफेस पे जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों सरफेसेस की वजह से होगा। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है बेटा। तो चार्ज इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। और अगर तुम यहां इस सिचुएशन को देखो तो चूंकि दो सरफेस हैं तो दो बार एरिया कंसीडर करना है, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये सबको समझ में आना चाहिए। देखो शीट में हमने सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिया था क्योंकि एक ही सरफेस था, तो एक ही चार्ज एरिया से
टकराएगा बेटा। यहां दो सरफेस हैं तो दोनों सरफेस पे क्या होगा, दोनों सरफेस के लिए चार्ज को कंसीडर किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2E πr² = 2σ πr² / क्या मिलेगा बेटा एप्सिलॉन नॉट। तो 2 गेट कैंसिल्ड, πr² गेट कैंसिल्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज प्लेट जो मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखा बहुत ही आसान था, शीट और प्लेट दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ उसमें एक बार πr² लेना है नेट चार्ज के लिए और यहाँ पे दो बार, क्यों, क्योंकि इसके कितने सर्फेसेस है बेटा, दो सर्फेसेस हैं। तो ये था आपका लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे तो सब लोग हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन, राइट डाउन कंपैरिजन ऑफ प्लेट एंड शीट, कंपैरिजन ऑफ प्लेट एंड शीट। तो देखते हैं बेटा ध्यान से, कंपैरिजन ऑफ प्लेट एंड शीट। अब हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे प्लेट को और शीट को। तो हम सब जानते हैं शीट के पास दो सर्फेसेस होते हैं और दोनों सर्फेसेस पे चार्ज अपीयर होता है। तो देखो बेटा, मान लो मेरे पास ये एक प्लेट है और यहां पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इधर वाले सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, और हम जानते हैं कि प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर प्लेट, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, मान लो प्लेट है, प्लेट, अच्छा एक चीज याद रखना, इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, जीरो होता है। देखो यहां तुमने जितनी भी डेरिवेशन की है ना वो सब नॉन कंडक्टिंग चीजें, मतलब समझ लो वो जो सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर का जो तुमने डेरिवेशन किया या शेल का किया या प्लेट का किया या शीट का, ये सब नॉन कंडक्टिंग है बेटा, याद रखना। कंडक्टिंग के लिए अलग केस होता है, तो हम कंडक्टर नाम का एक इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, पोटेंशियल जब हम पढ़ेंगे तब वहां समझेंगे। अभी के लिए बस याद रखो जितनी भी चीजें तुम ले रहे हो ये सब नॉन कंडक्टिंग है, मतलब लकड़ी का मान लो, समझ में आ रही बात सबको। तो ये है हमारे पास एक प्लेट जिसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मान लो मैं यहां पे एक पॉइंट बनाऊं ए, समझना बात को ध्यान से, ए, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, अवे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे एक पॉइंट बनाऊं बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, अवे, और कितना हो जाना चाहिए बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया प्लेट की बात। अब मैं शीट की बात करता हूं, तो मान लो मेरे पास दो शीट है, लेट सपोज वी हैव अ शीट, इस तरीके से मेरे पास दो शीट है, मान लो एक शीट यहां है और एक शीट यहां है। तो हम सब जानते हैं शीट के पास एक ही सरफेस होता है पर चार्ज अपीयर दोनों तरफ, मतलब दिखते हैं दोनों तरफ पर प्रेजेंट होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। तो ये मान लो हमारे पास दो शीट्स हैं, इनको कुछ दूरी पे रखा है मैंने, ठीक है। तो अब देखो ये मान लो शीट नंबर फर्स्ट और ये मान लो शीट नंबर सेकेंड, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट मार्क किया ए, अब अगर सोचो तो इसकी वजह से सेकेंड शीट की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होना चाहिए, और इसको मैं E2 लिख दूं, E2 सेकेंड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर शीट वन की बात की जाए, शीट वन की देखो डिस्टेंस पे तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना शीट में ना प्लेट में, ठीक है,
तो अगर देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे आवे होना चाहिए, और इसको मैं लिख देता हूं ई वन, इसकी वजह से, इस शीट की वजह से कितना आ जाएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात सबको। अब मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं बी पॉइंट, मुझे बताओ इस फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए बेटा, अवे मतलब ई वन, और कितना सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो बी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, अवे इसको ई टू लिखता हूं, इट इज अगेन सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अब एक और पॉइंट लेते हैं, लेट सपोज यहां पे सी, तो इस वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होना चाहिए बेटा, तो बाहर की तरफ, और फर्स्ट का है तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे निकाले तो वो भी अवे, और इस तरफ कितना होना चाहिए ई टू इक्वल्स टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो अगर सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कितना बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन इस तरफ। इसी तरीके से अगर हम ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्शन इस तरफ, और कितना हो जाएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब क्या बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर अंदर बात की जाए बेटा तो देखो एक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस तरफ और एक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस तरफ, तो ये तो क्या हो गया कैंसल, तो इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया जीरो। तो देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो क्या होता था बेटा, किसकी वजह से, प्लेट की वजह से, इस तरफ भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इस तरफ भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा कि जो शीट प्लेट होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट शीट्स। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को और नोट डाल के लिख लेंगे, नोट प्लेट प्लेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट शीट्स। तो इस चीज को याद रखना कि जो प्लेट होता है बेटा वो शीट्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर बात। अब एक और चीज देखते हैं, जो हमारे पास ये फर्स्ट नोट ये सेकेंड नोट, जो हमारे पास प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया, और शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया बेटा, टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखो ना, तो ना आर ना एक्स मतलब ना डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना गाउसियन सरफेस के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड और शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि फॉर प्लेट एंड शीट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब इसके बाद कुछ छुटमुट्टे टॉपिक होते हैं जिनसे सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो टॉपिक हम सारे के सारे अब खत्म कर चुके हैं। हमारा अगला जो सीक्वेंस होगा बेटा वीडियोस का, उसमें हम अलग अलग टॉपिक्स छोटे छोटे हैं जिनके बारे में बातचीत करेंगे, जिनसे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान आसान टॉपिक्स हैं। बस इन टॉपिक्स में क्या होता है बेटा कि इलेवेंथ के पार्ट या कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो थोड़े से सोचने पड़ते हैं, तो हम उनको रिलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है एडिशनल टॉपिक्स में हमारे पास, मोशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड वेरी क्लोज टू अ पॉजिटिवली चार्ज रिंग,
वेरी क्लोज टू अ पॉजिटिवली चार्ज रिंग। अब हम बात करेंगे बेटा, सिचुएशन ये है कि हमारे पास इस तरीके से एक रिंग है, ये एक रिंग है बेटा, और मान लो इस रिंग का रेडियस a है और ये हो गई रिंग का एक्सिस। हम सब जानते हैं एक्सिस का मतलब होता है बेटा वो लाइन जो रिंग के सेंटर से पास हो, और इससे x डिस्टेंस दूर यहां पे एक पॉइंट p है, इस पॉइंट p पे एक माइनस क्यू चार्ज है बेटा, और मान लो इस माइनस क्यू चार्ज का जो मास है वो लेट सपोज कितना है m। हमें कह रहा है कि इस रिंग पे है पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से दिस रिंग इज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर रिंग के पास बिल्कुल नजदीक वेरी क्लोज। अभी मैं बताऊंगा वेरी क्लोज का क्या मतलब होता है। एक माइनस क्यू चार्ज है पी पॉइंट पे, इसका मोशन हमें क्या करना है बेटा बताना है। तो देखो मान लो इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, ठीक है। लेट द टोटल चार्ज ऑन रिंग इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। एंड माइनस क्यू इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द रिंग। अब समझना बात को ध्यान से बेटा, एक डेरिवेशन तुम ऑलरेडी कर चुके हो जिसमें मैंने तुमको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग की अगर बात करें दोस्तों तो E इज इक्वल टू क्या होता था, के क्यू एक्स बाय ए क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बेटा 3/2। अब समझो वेरी क्लोज का मतलब होता है बेटा कि रेडियस ऑफ रिंग के कंपैरिजन में x को नेग्लेक्ट करना, ये होता है वेरी क्लोज का मतलब। तो अगर a के कंपैरिजन में x को नेग्लेक्ट करोगे तो ये तो हट गया, तो सिर्फ क्या बच गया बेटा a स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब इफ वर्ड वेरी क्लोज इज देयर देन नेग्लेक्ट x विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा a। अगर रिंग है और तुमसे कह रहा है कि वेरी क्लोज है तो समझ जाओ बेटा कि x के कंपैरिजन में हम a के कंपैरिजन में x को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू है तुम्हारे पास के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर a के कंपैरिजन में x को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा KQX by A square और इसकी पावर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा बेटा, KQX by AQ। तो आप देखो ध्यान से आगे फॉर्मूला मिल गया सा। अब देखना, अगर इस रिंग पे देखा जाए तो इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और रिंग है ये, और पी पॉइंट इसके बहुत क्लोज है, और पी पॉइंट पे एक माइनस क्यू चार्ज है जिसका मास हमने मान लिया एम है, क्लियर है बात। अगर तुम सोचो तो ये जो रिंग है ना ये एक्स डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस रिंग मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड अवे फ्रॉम इट बाय मैग्नीट्यूड या हैविंग मैग्नीट्यूड KQX by AQ, क्लियर हो गई बात सबको। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं कि ये जो रिंग है ये रिंग क्या करेगा बेटा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं रिंग मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। रिंग जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पॉइंट P पे, तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अवे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिंग पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हैविंग मैग्नीट्यूड के क्यू एक्स बाय कितना बेटा ए क्यू। तो रिंग मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाय ए क्यू। अब हम सब एक चीज जानते हैं बेटा, देखो
इस रिंग ने इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वहां पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस है, तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एक्सपीरियंसेस क्या बेटा फोर्स, तो हम लिख लेते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज एक्सपीरियंसेस क्या बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बेटा F इज इक्वल्स टू क्यूवी। और आप देखना ध्यान से माइनस क्यू चार्ज है बेटा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो चार्ज पे फोर्स क्या लगना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि नेगेटिव के लिए अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा एफ इक्वल्स टू क्यू ई, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए बेटा अपोजिट होना चाहिए किससे इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इक्वल्स टू क्यू ई, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। और E का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं KQX/AQ, तो फोर्स इज इक्वल्स टू आना चाहिए तुम्हारे पास क्यू इंटू के क्यू एक्स बाय क्या बेटा ए क्यू, ये मिला आपको फोर्स का वैल्यू। तो अब अगर फोर्स लग रहा है तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज अगर मास एम है तो एफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं एम ए, तो ए इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है एफ बाय एम, और फोर्स कितना है बेटा के कैपिटल क्यू छोटा क्यू एक्स बाय ए क्यू इंटू क्या बेटा एम, तो ये मिला आपको क्या एक्सेलरेशन ऑफ द माइनस क्यू चार्ज। क्लियर हो रही है बात सबको, अब समझने की कोशिश करना। देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो अगर फोर्स को देखा जाए बेटा तो फोर्स जो है वो इस तरफ है इस तरफ, समझ आ रही बात सबको? अब समझना बात को ध्यान से, फोर्स अगर इस तरफ है और ये माइनस क्यू चार्ज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है, फोर्स इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर हो रही है बात सबको? तो देखो एक्सेलरेशन इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ, समझ आ रही बात सबको? एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स नेगेटिव साइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। तो अब अगर आपको याद हो 11th की बातें, तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर बेटा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो पार्टिकल परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब अगर एक माइनस क्यू चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज रिंग के नजदीक लाओगे तो ये ऐसे ऐसे करने लगेगा, मतलब ऐसे चल करेगा। ऐसे चल क्यों करा ये समझो, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव साइड, तो जब भी ऐसा होता है तो मोशन क्या होता है बेटा SHM, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एज फोर्स या एक्सेलरेशन, एज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव साइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन पॉजिटिव साइड हेंस मोशन इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब अगर तुमको ध्यान हो तो SHM के लिए हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन सीखी है, A इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन टू वाले को और इक्वेशन वन वाले को क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा। तो कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, तो अब अगर अपन कंपेयर करें दोस्तों इसको देखते हैं फटाफट, कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू तो क्या मिल जाएगा, यहां मैंने लिख दिया कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, तो ये आ गया बेटा आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बाय ए क्यू इंटू एम, एक्स एंड एक्स गेट कैंसल्ड, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू
कितना आ गया के क्यूब क्यूब बाय ए क्यूब इंटू एम। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए क्यूब इंटू क्या बेटा एम। तो कई बार ये हालांकि ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछा हुआ है, अब कई बार हमसे बोलता है कि बताओ अगर एसएचएम कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो हम सब जानते हैं टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम टी इज इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा। तो टी इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा मतलब टू पाई इंटू ओमेगा की वैल्यू ऊपर चला जाएगा ए क्यू एम बाय के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो ये मिला आपको टाइम पीरियड और लिख लेंगे द पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे और इसको फॉर्मूले की तरह ही याद रखना है तुमको, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखो क्या है अगला कॉन्सेप्ट। मान लो हमारे पास एक रिंग है दोस्तों, वी हैव अ रिंग, और इस रिंग के सेंटर से मैंने क्या किया एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, या एक एंड को वायर के एक एंड को हमने उस रिंग के सेंटर से जोड़ दिया। सवाल है ये, ठीक है, और फॉर्मूले की तरह ही कॉन्सेप्ट है, तो इसको फॉर्मूले की तरह समझने के बाद ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, इस तरीके से वी हैव अ रिंग, और ये रिंग का हो गया बेटा रेडियस ए, और एक वायर है जिसका एक एंड रिंग से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड इंफिनिटी पे है। तो ये है तुम्हारे पास रिंग, इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू, और वायर का हम सबको पता है सर लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है कितना बेटा लैम्डा, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है कि राइट डाउन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा बस ये सिंपल दे रखा है, एक रिंग जिसका रेडियस है जिसमें चार्ज क्यू, एक वायर है, वायर का एक एंड रिंग के सेंटर से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड इंफिनिटी पे है, ठीक है, क्लियर बात। और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है। हमें बोलता है राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वायर एंड रिंग, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वायर एंड रिंग if the linear charge density of wire is lambda, charge on ring is capital Q. तो देखो समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है बेटा, ठीक है, रिंग और वायर के बीच में। तो अब अगर तुम ध्यान से समझो तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हम जानते हैं कितना होता है बेटा, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय ए क्यू प्लस एक्स क्यू की पावर 3 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बेटा 3/2। तो देखो मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, पॉइंट P, ठीक है, लिख लेते हैं कंसीडर अ पॉइंट P x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, मैंने क्या किया बेटा कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट वायर पर मार्क कर लिया P नाम का, क्लियर हो गई बात सबको। अब मैं क्या करता हूं, वायर के पास तो लेंथ होता है, वायर कंसिस्ट लेंथ,
वायर कैरी क्या बेटा लेंथ। तो अब मैं क्या करता हूं, इस पी पॉइंट पे ही ना एक जरा सा लेंथ कंसीडर कर लेता हूं। मान लो ये जरा सा लेंथ कितना है बेटा dx, तो कंसीडर अ स्मॉल लेंथ dx ऑन वायर, कंसीडर अ स्मॉल लेंथ dx ऑन क्या बेटा वायर। अब छोटा सा लेंथ है तो छोटे से लेंथ पे छोटा सा चार्ज होगा, तो वायर विच कैरी चार्ज इक्वल टू क्या बेटा डी क्यू। तो हमने क्या किया, इस वायर पे बिल्कुल जरा सा लेंथ ले लिया dx, और इस dx लेंथ पे जो चार्ज है बेटा वो कितना है डी क्यू है। क्लियर हो रही है बात सबको? तो अब मुझे बताओ लैम्डा इज इक्वल्स टू, हम सब जानते हैं क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा लेंथ लिया तुमने, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो डी क्यू बाई डी एक्स, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। तो ये मिल गया अपन को छोटा सा चार्ज, ठीक है जी, क्लियर बात। अब समझना बात को ध्यान से, हमें पता है कि ये जो रिंग है ना रिंग, ये x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बेटा 3/2। तो रिंग मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, कितना हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और रिंग है ना रिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होना चाहिए, और कितना होना चाहिए के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर तुम देखो तो इस पी पॉइंट पे जहां पे रिंग ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है बेटा, उस पे एक जरा सा चार्ज है डी क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर एक जरा सा चार्ज है डी क्यू, तो ये डी क्यू क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पर जरा सा चार्ज है तो जरा सा चार्ज की वजह से फोर्स भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल जरा सा। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू चार्ज एट पॉइंट पी एक्सपीरियंसेस क्या बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटा सा चार्ज तो छोटा सा फोर्स दैट इज डीएफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा डी क्यू इंटू क्या ई, क्यू ई होता है ना क्यू ई, तो डी क्यू इंटू ई। अब मैं क्या करता हूं बेटा, सबकी वैल्यूज डाल देता हूं, तो डीएफ इज इक्वल टू डी क्यू दैट इज लैम्डा डी एक्स इंटू डी ई दैट इज के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बेटा 3/2। ये आ गया हमारे पास जरा सा फोर्स। अब अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाहता हूं, तो हम सब जानते हैं बेटा टोटल फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फॉर नेट फोर्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और पूरे वायर पे निकालना है, ये फोर्स तो बिल्कुल छोटे से पार्ट के लिए आया है, हमें तो पूरे वायर की वजह से फोर्स वायर पे फोर्स निकालना है। तो कहां से शुरू करेंगे बेटा, जीरो से, और कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। भाई समझो ये फोर्स dx लेंथ पे जो dq चार्ज है वो है, और हमें तो पूरे वायर पे फोर्स निकालना है, तो वायर इन्फिनिटी है, जीरो से इन्फिनिटी तक है बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा dx इंटू के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और जीरो से कहां तक बेटा, इंफिनिटी तक। तो अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, हम क्या करते हैं यहां पे ना एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं अपर पार्ट से। देखो यहां से मैं क्या करता हूं, मेक अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं अपन। ये इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया, और मान लो ये एंगल कितना है थीटा, मेक अ ट्राइंगल ठीक है बेटा। अब अगर तुम देखो तो ये ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक्स, ये और ये थीटा, तो टेन थीटा को कुछ लिखा जा सकता है, फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेटा बेस। तो अगर परपेंडिकुलर देखा जाए तो
ए है और बेस देखा जाए तो क्या है बेटा एक्स है, तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए एंड बेस इज एक्स, तो यहां से ए की वैल्यू मिल सकती है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स टेन थीटा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ क्या बेटा ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस तो ए होगा ना बेटा एक्स बाय ए सॉरी, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी a tan थीटा। अब मैं इसको क्या करता हूं बेटा डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, तो अगर अब अपन डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू क्या दोस्तों d थीटा, तो ये मिल जाएगा आपको dx by d theta is equals to, जानते हैं a tan theta का याद होगा a sec square theta, तो dx is equals to क्या आ गया बेटा a sec square theta d theta, तो ये मिला आपको x का वैल्यू और ये मिला आपको dx का वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं बेटा इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूं, तो df का इंटीग्रेशन हम सब लोग जानते हैं कितना होता है बेटा f, तो f इज इक्वल्स टू, अब देखना k तो कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है और q भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूं बेटा इन कांस्टेंट्स को बाहर लेके आता हूं, तो k बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा और q बाहर आ जाएगा, क्लियर है बात सबको, तो अंदर क्या बचेगा बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और बचा तुम्हारे पास x और एक चीज बची dx, तो ये आ गया तुम्हारा x और ये आ गया dx जीरो से लेके इंफिनिटी तक, हाँ यही आएगा, देखो k बाहर q बाहर लैम्डा बाहर, तो अब मैं x और dx की वैल्यू पुट करता हूं, तो f इज इक्वल टू लैम्डा के क्यू, x की वैल्यू है बेटा तुम्हारी a tan थीटा, dx की वैल्यू है a sec square थीटा d थीटा अपॉन a square प्लस अगेन x की वैल्यू, तो a tan थीटा दैट इज a square tan square थीटा की पावर 3/2 हो जाएगी, तो f